गाइस, वेलकम टू द चैनल टॉयज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरी कॉट 11-in-1। तो इसमें मैं आपको पूरा असेंबल करके बताऊंगा 11-in-1 में। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग है, सनशेड है, कैरी कॉट है, बाथटब है, तो स्विंग वगैरह है, बाउंसर है, तो अलग अलग 11 फीचर्स है इसके अंदर। कंपनी नेम है फन राइड। सो फन राइड टॉयज में सारे बेबी प्रोडक्ट्स के आइटम आपको मिल जाएंगे। सो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं। सो सबसे पहले आपको जो है इसका मेन कवर मिल जाएगा, जहाँ पे आप बच्चे को जो है बिठा सकते हो। तो इसको कैसे लगाना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, एंड मैं आपको इसमें बॉडी में कैसे फिट करना है वो मैं लगा के आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले ये जो बॉडी आपको दिख रहा है, यही मेन पार्ट है कैरी कॉट का। सो इसमें हमने कवर फिट कर लिया है। सो उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है, सिंपल है, कुछ नहीं है। सो वो अटैच करने के बाद जो है आपको बेल्ट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट भी दिया हुआ है। सो वो भी आप लगा सकते हो। एंड आपको क्या करना है उसके बाद में, आपको कैरी कॉट के अंदर एक्चुअली होल दिखाई देगा, दो अलग अलग साइड पे है होल, तो यहाँ पे दोनों कॉर्नर में आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे ही आपको जो है रॉड को अटैच करना है, जिसकी मदद से आप कैरी कॉट को जो है बाउंसर बना सकते हो यहाँ पे। सो प्रॉपरली देख के आप जो है उसको होल के अंदर डालिए। सो ईजीली चले जाएगा वो, और आपका यहाँ पर जो मेन कैरी कॉट है, सॉरी मेन बाउंसर जो है वो रेडी हो चुका है। फिर इसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करते रहना है। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है। तो अलग अलग 11 फीचर्स को आपको ट्राई करने के लिए इसी को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करते रहना है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो कॉर्नर में जो है प्रेसिंग के लिए बटन दिया हुआ है, तो आप देखिए इस तरीके से इसको ऊपर ले सकते हैं हैंडल को बेसिकली। सो उसको प्रेस करके आप ऊपर लीजिए, तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, कैरी कॉट भी बन जाएगा वो, आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है नेट वगैरह भी दिया हुआ है, नेट है और एक कवर, टोटल कवर है, सनशेड कवर जिसको बोलते हैं। सो ये बॉटल स्टैंड है। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअली इसको लगाना है, स्क्रू वगैरह ओपन करके आप लगा सकते हो, बट राइट नाउ मैं आपको वो लगा के नहीं बताऊँगा, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तभी वो आपको यूज़ का है बेसिकली। सो लाइक अभी ये जो नेट है, आप इसको जस्ट टॉप पॉइंट से लेकर एंड तक जो है स्ट्रेच कीजिए, तो अभी आप जो बेबी को है इसके अंदर डाल सकते हो। सो जब सो रहा होगा बच्चा, तो आप इजीली ये डाल दीजिए, ताकि जो भी है इंसेक्ट्स वगैरह वो अटैच ना हो सके बच्चे से। सो इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊँगा, अभी इसके अंदर आपको एक सनशेड कवर भी मिलेगा, जो आप लगा सकते हो, ट्रैवलिंग करते वक्त यूज़ करना है। सो इस तरीके से स्टैंड को खड़ा कर लेना है, एंड कवर को कैसे लगाना है वो ध्यान दीजिए ज़रा सा। आपको ये वन साइड ओपनिंग दिखेगा, वो लगा देना है और स्ट्रेच करना है अपर पार्ट तक, और फिर दो आपको जो है कॉर्नर में डाल देना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने किया ये। सो तीन ओपनिंग दिखाई देगा आपको, दो कॉर्नर में जाएगा और एक अपर साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, अगर नहीं होता है तो आप जो है हैंडल को पीछे भी कर सकते हो बटन प्रेस करने के बाद। सो लेकिन ये आ जाएगा, थोड़ा आपको थोड़ा सा स्ट्रेच और करना होगा। सो ये बेसिकली तैयार हो जाता है आपका यहाँ पे सनशेड वाला फीचर। इसके अलावा स्विंग का भी फीचर है, बट यहाँ पे सीलिंग पे लगाने के लिए है नहीं, इसलिए वो नहीं बता पाऊँगा। आप जो है उसको रोप से कनेक्ट कर सकते हो, हुक दिया हुआ है यहाँ पर। सो इजीली समझ जाएगा, जब आपके हाथ में ये प्रोडक्ट आ जाएगा आप समझ जाओगे कि कैसे करना है इसमें, एंड और क्या क्या है वो मैं देख के आपको बताता हूँ। सो ये हम निकाल देते हैं यहाँ पर और ट्रांसफॉर्म करते हैं, और क्या बना सकते हैं दूसरा इसमें। तो ये कवर निकाल दिया हमने अभी। सो आप जो है इसको यहाँ पर जो है नेट वाला कवर भी आप लगा सकते हो, तो वो भी सिंपली वैसे ही करना है, तो टाइट हो जाएगा जैसे हमने सनशेड के लिए किया था सनशेड कवर, वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। आपको खाली स्ट्रेच करना होगा यहाँ पे भी, तो ये भी उसी तरीके से जो है यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा। तो दोनों साइड से आप डालिए, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना होगा तो जाके प्रॉपरली बैठेगा वो। सो अभी इसको निकाल देता हूँ मैं, एंड आप इसको बटन प्रेस करके वापस बंद कर सकते हो, बट एक ध्यान रहे आपको नीचे के साइड में नहीं है, ऊपर के साइड में ही करना है,
क्योंकि फोल्ड तो हो जाएगा वो बॉटम साइड पर भी, बट आपको जो है उसको अपर पार्ट पर ही लेके जाना है। उसके बाद आपको सेम वैसे ही रॉड को निकाल देना है इजीली। तो ये आपका जो है अभी ट्रैवलिंग कॉट हो जाएगा यहाँ पर, तो इजीली आप कैरी कर सकते हो इस चीज़ को। सो फ्रेंड्स इतना ही बस आज के इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।